अच्छा, दूसरा एक स्टॉक विप्रो भी ले रखा है तुषार ने, विप्रो में क्या राय बनती है? बिल्कुल जैसे इन्फोसिस और विप्रो बहुत स्ट्रांग कंपनीज हैं, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में इनको मुनाफा होगा। नजरिया बढ़ा दीजिए और होल्ड कीजिए। स्टॉक ये 500 तक चला जाता है तो वहां पर जाके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि वहां पर एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस आ सकता है विप्रो में। तुषार आप है लाइन पे? यस सर। जी आपने सुन लिया होगा, आपको क्या राय मिली? आप क्या करते हैं? सर मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ। बहुत आवाज आ रही है आपके आसपास से। यस सर, एक्चुअली मैं आज इंटरनल प्रैक्टिकल है मेरा। हाँ, किस क्लास में पढ़ते हैं आप अभी? सर मैं लॉ में हूँ, थर्ड ईयर में, LLB थर्ड ईयर। तो लॉ में प्रैक्टिकल क्या है ये तो बताओ मुझे। लॉ में प्रैक्टिकल मतलब सर ADR और अल्टरनेटिव डिस्क्रिप्टिव रजिस्टर। अच्छा, कहाँ से कर रहे हैं आप LLB? सर आजमगढ़ यूनिवर्सिटी, सर होम टाउन में। अच्छा, होम टाउन से, मतलब वकील बनने की तरफ आप बढ़ चले और इंटरेस्ट आपका स्टॉक में। तो क्या पढ़ाई लिखाई करके स्टॉक खरीदते हैं या किसी चैनल देख के या किसी ने बताया उस पर कैसे खरीदते हैं? नहीं सर, CNBC आवाज़ का मैं रेगुलर व्यूअर हूँ और प्लस कुछ लोगों से बातचीत भी करता हूँ। ओके गुड। तो जो भी कहीं टिप विप लीजिए या कहीं भी सुनिएगा ना तो उसको एक बार खुद जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ने की आदत होगी, जनरली पढ़ने की आदत छूट जाती है, लेकिन आप थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके लीजिए। दोनों स्टॉक आपके ठीक है, आप होल्ड करिए, आपको इसमें डेफिनेटली बेनिफिट होगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।